वेलकम बैक। आई एम आरके झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज का ये सेशन क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर का ये पार्ट 4 है। इस पार्ट में आज हम समझेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है। पहले तो आपको ये समझना है कि टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं, मतलब कितने तरह के मिरर होते हैं। फिर उसमें समझेंगे हम एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसके नेचर क्या होते हैं, इमेज जो बनता है वो इमेज कितने तरह के होते हैं, जैसे रियल और वर्चुअल होता है, वहाँ रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, मिरर और लेंस में स्क्रीन टर्म आता है, स्क्रीन क्या होता है, ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं, लाइट किधर से आएगा, इस सब के बारे में आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ये टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर दो तरह के होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है, कोई भी मिरर जो सिंपली एक प्लेन सरफेस को, प्लेन पॉलिश सरफेस को कार्व करके बनाया जाता उसको हम प्लेन मिरर कहेंगे। ठीक है, द मिरर दैट इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ प्लेन पीस ऑफ मटेरियल व्हिच रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड मिरर। ठीक, अब ये प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो कैसे बनता है, जैसे हम आप भी कभी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मेरा और आपका इमेज बनता है, तो आज समझते हैं कैसे बनता है। तो देखिए, ये सबसे पहले एक प्लेन मिरर रखे हैं और ये इस प्लेन मिरर में ये जो लाइन है ये पॉलिश साइड है और ये अनपॉलिश साइड है। तो देखिए, हम यहाँ नोट में कुछ लिखे हैं दो बात, इसको मैं पहले समझा दूं। किसी भी प्लेन मिरर का जो फोकल लेंस होता है वो डिफाइन नहीं होता, इन्फिनाइट होता है। और एक दूसरा जो स्फेरिकल मिरर है उसका फोकल लेंथ डिफाइन होता है, एक निश्चित सर्टेन मैग्नीट्यूड में होता है, जो हम लोग आगे समझेंगे। दूसरा कि मिरर का जो अनपॉलिश साइड होता है उसको हम सिल्वर साइड भी कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जब भी प्लेस कीजिएगा आप, तो मिरर चाहे वो प्लेन हो या स्फेरिकल हो, उसको अनपॉलिश साइड की तरफ ऑब्जेक्ट को रखेंगे। आप जो सोर्स ऑफ लाइट रखेंगे वो भी अनपॉलिश साइड, मतलब सिल्वर साइड की तरफ रखेंगे। यहां दो बातें आई कि ऑब्जेक्ट को हम मिरर के अनपॉलिश साइड रखेंगे, रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट जो भी आप लाएंगे वो भी अनपॉलिश साइड से आएगा। ठीक है, इसलिए हमने पहले ये दो बात नोट को पहले आपको समझाऊं। ये स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ होता है, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, इन्फिनाइट होता है। इन मिरर द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन अनपॉलिश साइड, इसी को सिल्वर साइड भी कहते हैं। द रेज ऑफ लाइट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द अनपॉलिश साइड। स्क्रीन जो होता है वो भी अनपॉलिश साइड ही समझा जाता है। ठीक है, तो अब यहां हम लोग थे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है। तो देखिए, ये अनपॉलिश साइड है, ये पॉलिश साइड है। पहले हमने एक ऑब्जेक्ट को चूज किया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, हमने अनपॉलिश साइड में रखा है और ये रे ऑफ लाइट है। एक यहां से रे ऑफ लाइट गया, 90 डिग्री से गया तो सीधा ये वापस आ गया, यहां से भी गया ये वापस आ गया। एक ऐसे ले गए तो ये बाउंस किया। देखिए, रिफ्लेक्शन के साथ क्या होता है कि रिफ्रैक्शन भी होता है, कि जो यहां से बाउंस किया तो इंसिडेंट के भी कुछ पार्ट गए एक्चुअली, और कुछ क्योंकि इसका फोकल लेंथ डिफाइन नहीं है। तो देखिए, यहां पर मिल गया, आगे पढ़ेंगे कि इमेज क्या होता है। तो जिस पॉइंट पर कम से कम दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे मिलेगा उसको इमेज कहते हैं। आप कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कोई भी चीज जिसको हम मिरर के अनपॉलिश साइड में प्लेस करते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये मिरर है, अब मिरर से ये 5 फीट के आगे में ये ऑब्जेक्ट है, ये
इमेज है इसका, तो मिरर के पीछे 5 फीट पर इमेज भी बना है। तो देखिए मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस क्या बराबर है। अगर ये 2 फीट का इमेज है, ये हाइट, ये अगर 2 फीट है तो ये भी 2 फीट होगा। इसका मतलब कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसमें ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट बराबर होता है। हम समझने के लिए ये आंख बड़ा कर दिए हैं, इसका नाक इधर घुमा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का राइट आइज बड़ा है, लेकिन आप इमेज में देखिए तो लेफ्ट क्या बड़ा लग रहा है। इसका लेफ्ट की तरफ मुड़ा था, उसमें राइट की तरफ नाक मुड़ा हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि लेफ्ट वाला जो है वो राइट में चला गया, राइट वाला लेफ्ट में आ गया, ऐसा दिख होता है, सिम्स होता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अभी हम क्या बताएं कि मिरर का जो स्क्रीन होता है वो अनपॉलिश साइड की तरफ होता है, तो स्क्रीन ये सारा हो गया, इधर जितना भी इमेज बनेगा सब स्क्रीन पर बनेगा। इमेज कैसे बनाइए तो समझे, और यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे क्या है कि नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका क्या नेचर होता है। तो देखिए इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब जो स्क्रीन पर नहीं बनता है। देखिए पॉलिश साइड में बना है और स्क्रीन अनपॉलिश साइड में होता है, इसका मतलब स्क्रीन पर नहीं बना इसलिए वर्चुअल है। जब भी वर्चुअल होगा तो हमेशा इरेक्ट बनता है, मतलब सीधा बनता है। लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब जब कल्पना हम करते हैं कि लेफ्ट वाला राइट में चला गया, राइट वाला लेफ्ट में आ गया, तो वही लैटरली इन्वर्टेड होता है। एम्बुलेंस में आप देखते होंगे उल्टा लिखा रहता है, क्यों? ताकि ड्राइवर को वो सीधा पढ़े देगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस बराबर होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट बराबर होता है। ये आप चार नेचर बताएंगे, ऐसे इमेज बना के दिखाएंगे। फोकल लेंथ का प्लेन मिरर इंफिनाइट होता है, ये याद रखना है। किसी भी मिरर का स्क्रीन किधर होगा? अनपॉलिश साइड। ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे? अनपॉलिश साइड। लाइट किधर से लाएंगे? अनपॉलिश साइड से, ठीक है। अब अगर आएगा कि लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, तो अभी आप क्या देखेंगे कि प्लेन मिरर में ही लेटरल इन्वर्सन होता है। लेटरल इन्वर्सन में लेफ्ट राइट में सिम होता है और राइट लेफ्ट में, ये जो फेनोमेना इमेज फॉर्मेशन का प्लेन मिरर में, जिसमें राइट साइड लेफ्ट में अपीयर होता है, लेफ्ट वाला राइट में अपीयर होता है, उसी को हम लेटरल इन्वर्सन भी कहते हैं। इसलिए इसको बताएंगे द फेनोमेना ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर इन विच लेफ्ट साइड सिम्स इन राइट एंड राइट साइड सिम्स इन लेफ्ट, दैट इज लेटरल इन्वर्सन, ओके। एंड ड्यू टू दिस, दैट इज वाई एम्बुलेंस इज रिटेन लेटरली इन्वर्टेड, ओके। अब है टाइप्स ऑफ इमेज, को इमेज याद रखना है कि दो तरह के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जो अनपॉलिश साइड की तरफ बनेगा, मतलब स्क्रीन पर बना, तो जो इमेज स्क्रीन पर बनेगा मतलब अनपॉलिश साइड बनेगा वो रियल होगा, जब भी रियल होगा तो वो उल्टा इमेज बनता है, ठीक। जो पॉलिश साइड बनेगा मतलब स्क्रीन पर नहीं बनेगा, तो जो इमेज स्क्रीन पर नहीं बनता उसको हम काल्पनिक कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, और जब भी वर्चुअल होगा तो वो हमेशा सीधा बनता है। तो दो तरह के इमेज होते हैं, रियल एंड वर्चुअल। रियल मतलब जो अनपॉलिश साइड मतलब स्क्रीन पर बनता है, वर्चुअल मतलब जो पॉलिश साइड मतलब स्क्रीन पर नहीं बनता है। रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल हमेशा स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग फिर इसके बाद जो है स्फेरिकल मिरर के बारे में समझेंगे, तो वहां से थोड़ा सा लंबा होगा, फिर नहीं। ओके, थैंक यू।